नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के लिनक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आज देखेंगे स्कैनिंग स्कैनिंग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि रिकन डॉग वगैरह को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और डीएनएस इंफॉर्मेशन अगर हमें निकालनी होता है वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। और उसके पहले हमने देखा है कि हमने पूरा फुटप्रिंटिंग एक्चुअली कवर कर लिया। अब हम स्कैनिंग पे जंप करेंगे। तो स्कैनिंग एक्चुअली क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी में जो स्कैनिंग वाली वीडियोज़ हैं उन्हें पहले देख लीजिएगा, बाद में इस पे आइएगा। और आज जो हम टूल यूज़ करेंगे एक्चुअली वो एक कम्प्लीट फ्री टूल है और सबसे बेहतर टूल है। मतलब जितने स्कैनिंग में आप जितने भी टूल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हो, उन उन सभी के जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको उस टूल में मिल जाएगी, जिसका नाम है एनमैप। एनमैप आपको लिनक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है, और अगर ना हो तो आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एप्ट-गेट कमांड देके। चलिए देख लेते हैं कि आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करें। टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ आप इंस्टॉलेशन कमांड दे दें, sudo apt-get install nmap। देखिए कंप्लीट पैकेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको यूज़ करना है, इसको यूज़ करना भी उतना ही आसान है। आपको जस्ट nmap क्लिक कर आपके टारगेट वेबसाइट है तो उसका नाम लिखना होगा। इंटर करें। एक बात को अच्छे से याद रखेंगे कि हम जो एनमैप है उसे विंडोज़ में भी यूज़ करते हैं और लिनक्स में भी यूज़ करते हैं। तो जहाँ तक काली की बात है, इट विल टेक सम मोर टाइम। और यही चीज़ यही टूल जब एनमैप जब विंडोज़ में यूज़ किया जाता है तो ये बहुत जल्दी स्कैन करता है। स्कैनिंग के जो एथिकल हैकिंग वाले वीडियोस थे उनमें अगर आप देखें तो उनमें भी आपको एनमैप का यूज़ मिल जाएगा। अभी देख सकते हैं सिर्फ 64.43% हुआ है। सेवेंटी 1.27% हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप पावर सेल के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार थोड़ा सा पावर सेल के बारे में जान लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम काली लिनक्स में पावर सेल को इंस्टॉल करेंगे। पावर सेल क्या होता है, आपने देखा होगा कि लिनक्स में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आप लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं रिपॉजिटरी के थ्रू। पर ये शायद आपने आपको नहीं पता होगा कि लिनक्स में हम पावर सेल कब यूज़ कर सकते हैं, जो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। तो अगर पावर सेल आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि अगर आपको एक अच्छा हैकर बनना है तो आपको पावर सेल का यूज़ आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में लिनक्स में पावर सेल को इंस्टॉल करेंगे, तो किस तरीके से कर सकते हैं और पावर सेल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। तो पावर सेल के बारे में आप थोड़ा सा अपने आप थोड़ा सा स्टडी करके भी रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है, आपको आईपी एड्रेस शो करेगा। एक्चुअली समय बहुत लेता है, और अगर आपको मान लीजिए आपको मल्टीपल वेबसाइट्स स्कैन करनी हो एनमैप के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आप लीप पैड वगैरह या नोटपैड वगैरह ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपने मल्टीपल वेबसाइट्स के नाम दे दें जो भी आपको स्कैन करवानी हो, google.com
या facebook.com, जो भी आपको देना, उनके नाम यहाँ पर लिख दें, मल्टीपल वेबसाइट जितनी आप लिखने चाहते हैं, और इन्हें सेव एस कीजिएगा एक्सटेंशन .txt के साथ, और इन्हें डेस्कटॉप पर ही रखिए। जिस आप देख सकते हैं मैंने पहले से इसको सेव करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं वेबसाइट स्कैन .txt के नाम से रखा हुआ है। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि काफ़ी समय लेगा। तो पहले हमें पता है कि हमारी जो फाइल है डेस्कटॉप पे है, तो हमें डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, सीडी डेस्कटॉप, और जो वेबसाइट का नाम दिया वेबसाइट स्कैन, हम मल्टीपल वेबसाइट्स को अगर स्कैन करना चाहते हैं एन मैप के थ्रू उसके लिए है। और इसके बाद आप यहाँ पे, माफ कीजिएगा, सीडी डेस्कटॉप, हमें डेस्कटॉप पे एक्चुअली इंटर करना था पहले। डेस्कटॉप का जो डी है वो कैपिटल होना चाहिए क्योंकि लिनक्स केस सेंसिटिव है। अब आप लिख सकते हैं nmap हाइफन आई के एल कैपिटल रखेंगे, और यहाँ पे जो जिस नाम से आपने वो फाइल तैयार की थी वेबसाइट स्कैन इन माय केस .txt, और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट की स्कैनिंग ऑन हो चुकी है, पर आपने देखा कि एक वेबसाइट को स्कैन करने में काफ़ी समय लिया था एनमैप ने, तो यहाँ अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स स्कैन करनी हो तो वो और ज़्यादा समय लेगा। और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं एनमैप में और कितने तरीके की इन्फॉर्मेशन हम एनमैप के थ्रू निकाल सकते हैं, वो आपको हम आगे आगे की वीडियोस में दिखाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग के ऑफर के थ्रू मंगवाई थी, उन सभी को वेबसाइट में चैट ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत आती है तो वेबसाइट में जाके आप चैट ऑप्शन में प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।